और अहम खबर है, इंडियन नेवी ने अरब सागर में पकड़ी 12,000 करोड़ की ड्रग्स। नौसेना और एनसीबी ने अरब सागर से 250 किलोग्राम ड्रग्स जब्त की है। ईरान के रास्ते भारत लाई जा रही थी ये ड्रग्स। ड्रग्स रैकेट पर एनसीबी के डीडीजी का बड़ा खुलासा, जब्त ड्रग्स के तार दाऊद इब्राहिम के गैंग से जुड़े हैं। ये कहा है एनसीबी ने, ड्रग्स सप्लाई के पीछे आईएसआई की साजिश भी सामने आ रही। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से केरल के समंदर में एनसीबी की ये बड़ी कार्रवाई, नेवी के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन, और नतीजा ये कि 250 किलोग्राम ड्रग्स पकड़ी गई है। कई बोरियों पर पाकिस्तान लिखा हुआ है। ये देखिए तस्वीर, वो भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से समंदर के अंदर डी कंपनी की बड़ी ड्रग्स वाली साजिश बेपर्दा हुई है। 12,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई है, ये एनसीबी की बड़ी कामयाबी सामने आई है। सफेद जहर के खिलाफ जो मुहिम चलाई जा रही थी उसके तहत ये बड़ी सफलता है। तो नशे के खिलाफ ऑपरेशन समुद्रगुप्त, केरल में एनसीबी और नौसेना का ये संयुक्त अभियान अंजाम दिया गया और इस रेड में 2,500 किलो ड्रग्स बरामद की गई है। नेवी, कोस्ट गार्ड और एनसीबी का ये ज्वाइंट ऑपरेशन था। पकड़ी गई ड्रग्स की कीमत 12,000 करोड़ रुपए।